कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करते हैं जो 12 जून से शुरू हो रही है और इस बार यात्रा में 18 जत्थे जाएंगे। वहीं हर दल में करीब 60 यात्रियों के शामिल होने की भी बात कही जा रही है। केएमवीएन के मुताबिक यात्रा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप वहां दिया जा रहा है। इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। जहाँ कण कण में है शिव का वास, जहाँ रोम रोम में बसते हैं भगवान शिव, चलो मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर यात्रा को तमाम तीर्थ स्थानों में से सबसे कठिन माना गया है। मानसरोवर वही पवित्र जगह है जिसे शिव का धाम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मानसरोवर के पास स्थित कैलाश पर्वत पर शिव शंभू का धाम है और यही वो पावन जगह है जहां शिव शंभू विराजते हैं। हिमालय पर्वत पर स्थित हिंदू, जैन और बौद्धों के पवित्रतम तीर्थ कैलाश मानसरोवर की यात्रा 12 जून से शुरू हो रही है, जिसके लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। मानसरोवर पर जाने वाले यात्रियों के लिए खास व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। जैसा कि आप स्थिति है कि 12 जून से यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और इसमें केएमवीएन द्वारा जो है जो भी ट्रांसपोर्ट संबंधी है या घोड़े खच्चर पोनी उसके हैं, टेंडर की कार्यवाही जो है लगभग जो है संपन्न होने जा रही है और इस बार भी हम लोग बेहतर व्यवस्था जो है यात्रियों को देंगे, ऐसा प्रयास। इस बार उत्तराखंड के पारंपरिक लिपुलेख मार्ग से 60-60 यात्रियों के 18 जत्थे भेजे जाएंगे और नाथुला मार्ग से 50-50 यात्रियों के 7 जत्थे भेजे जाने की योजना है। दिल्ली से प्रस्थान करके यात्री अल्मोड़ा पहुंचेंगे, जिसके बाद आगे की कठिन यात्रा की शुरुआत होगी। इस बार यात्रियों को नाभिढांग से आगे की यात्रा कुछ किलोमीटर गाड़ी से कराने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल हमारे उत्तराखंड का ही नहीं पूरे देश का जो है एक महत्वपूर्ण एक धार्मिक यात्रा है और कैलाश मानसरोवर यात्रा में आने वाले लोगों का हम स्वागत करेंगे। किसी भी रूप में और कोई भी दिक्कत जो है मानसरोवर यात्रा में आने वाले लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8 दिन चीन में यात्रा के बाद यात्री भारत लौटेंगे। इस बार पूरी यात्रा 22 दिन में पूरी होगी। यात्रा दल का पहला जत्था 2 जुलाई को यात्रा वापस कर पिथौरागढ़ पहुंचेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के लिए पूरे देश में जानी जाती है और हर साल यहां हजारों लोग भगवान शिव के साक्षात दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन ये शिव की शक्ति और आराधना का ही आकर्षण है कि श्रद्धालु इस बेहद ही कठिन यात्रा को भी आसानी से पूरा कर लेते हैं। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।